मध्य प्रदेश के कटनी जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर मोहास गांव में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का चमत्कार जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यह चमत्कार बहुत ही अद्भुत व अकल्पनीय है। जी हाँ, यहाँ किसी अस्पताल से ज्यादा भीड़ हड्डी रोग से पीड़ित लोगों की लगती है। वैसे तो यहाँ से कोई भी हनुमान भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर हड्डी रोग से ग्रस्त लोग आते हैं और खुशी खुशी ठीक होकर जाते हैं। कई मरीज तो यहाँ स्ट्रेचर पर आते हैं, जिनका इलाज भगवान हनुमान की दिव्य शक्ति से हो जाता है। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ दी जाने वाली औषधि का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए इन दो दिनों में यहाँ मरीजों की भीड़ लगती है। यह हनुमान जी का मंदिर हड्डी जोड़ने वाले हनुमान जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही पीड़ित व्यक्ति को आंख बंद करके राम नाम का जाप करने की सलाह दी जाती है। पीड़ित व्यक्ति जैसे ही आंख बंद कर जाप करने में मग्न रहता है, तभी वहां के साधु व संत अपने सहयोगियों के साथ सभी को कोई औषधि खिलाते हैं, जो कि कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलकर बनती है। यह प्राकृतिक औषधि होती है और पीड़ित को इसे चबाकर खाना होता है। वहीं औषधि खाने के बाद उन लोगों को घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। उसके बाद औषधि के प्रभाव और हनुमान जी के आशीर्वाद से हड्डियां जुड़ जाती हैं। हनुमान जी के मंदिर में आज तक कोई भी व्यक्ति निराश होकर नहीं गया। साथ ही मंदिर में औषधि के लिए कोई मूल्य नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति को निशुल्क दवा खिलाई जाती है, लेकिन भक्त फिर भी अपनी श्रद्धा से दान पेटी में दान डाल देते हैं। मंदिर के बाहर दुकान से हड्डी जोड़ने का तेल मिलता है। तेल की मालिश हड्डी जुड़ने के बाद मजबूती प्रदान करती है। ये पांव में चोट लग गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है ना, भगवान बप्पा जी का प्रताप बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो एक बार दवा खा लेता है उसको जीवन भर के लिए सुख मिल जाता है। हाँ हाँ, अच्छा, तो पैर फ्रैक्चर हो गया था।